मैं ऐसा मानता हूं कि जहां हमारी ताकत बढ़ी है वहीं पर हमारे साथ छद्म युद्ध करने वाले इनकी संख्या भी बढ़ी है। हमारे आदरणीय नरवणे जी ने कुछ बातें हमारे सामने रखी और मैं ऐसा मानता हूं कि आज भारत की ताकत इतनी जरूर है कि हमारे पड़ोसी हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करने से पहले दो बार सोचते हैं, लेकिन इसी ताकत के कारण एक छद्म युद्ध आज भारत के साथ लड़ा जा रहा है और ये छद्म युद्ध केवल सीमा पार के आतंकी नहीं लड़ रहे, तो उनके कुछ साथी हमारे देश में भी मौजूद हैं। आज हम जिसको अर्बन नक्सल्स कहते हैं, ये अर्बन नक्सल्स ये एक ऐसी विचारधारा है जो न देश के संविधान को मानती है न देश की व्यवस्था को मानती है, और ये एक ऐसी व्यवस्था है जो युवा आयु के हमारे विद्यार्थियों में हमारे युवाओं में एक प्रकार से उनके दिमाग में वायरस छोड़ने का काम करती है। व्यवस्था के खिलाफ एक एनार्की तैयार हो इस प्रकार का काम करती है। और आज विद्यार्थी परिषद का मैं ऐसा मानता हूं हमारी जिम्मेदारी इसलिए भी ज्यादा है कि एक समय था देश में माओवादियों के खिलाफ विद्यार्थी परिषद ने एक लड़ाई लड़ी और कई बार तो ऐसी लड़ाई लड़ी कि विद्यार्थी परिषद के हमारे कई कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, लेकिन धीरे धीरे बंदूक लेकर लड़ने वाले माओवादी अब कम हुए हैं, नहीं बचे हैं, उनको नए लोग नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो विचारों को प्रदूषित करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। वो कॉलेजेस में, वो कैंपसेस में, वो यूनिवर्सिटीज में धीरे धीरे अंदर घुस रहे हैं, धीरे धीरे वायरस छोड़ रहे हैं और एक विभाजन का बीज वो बोने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी व्यवस्था के खिलाफ, हमारे संस्कारों के खिलाफ, हमारी संस्कृति के खिलाफ ये सारी चीजें गलत है, इस प्रकार का एक बीजारोपण आज जो हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। अगर हमारी आने वाली पीढ़ी ये राष्ट्रवाद से ओतप्रोत नहीं होगी, अगर ये देश का और समाज का विचार नहीं करेगी, ये केवल आत्म केंद्रित पीढ़ी अगर हम लोग तैयार करेंगे, तो मैं नहीं मानता कि भारत को हम लोग उस मकाम पर ले जाएंगे। भारत को अगर विश्व गुरु के मकाम पर ले जाना है, एक विकसित भारत निर्माण करना है, तो समाज का विचार करने वाले, राष्ट्र का विचार करने वाले ऐसे नौजवान यही देश को आगे ले जा सकते हैं।